मिस्टर चेक योर आंसर, द फंक्शन ऑफ ट्रेकियल सीलिया इज टू पास म्यूकस आउट, पास म्यूकस इन, पास एयर आउट, पास एयर इन। यस, अरे बोलो, हु विल टेल द करेक्ट आंसर? पास म्यूकस आउट। ठीक है, तो ये काम होता है जो सीलिया प्रेजेंट होती है। अच्छा, सीलिया कहीं और भी होती है फैलोपियन ट्यूब में? अरे क्लियर है क्या? फैलोपियन ट्यूब में भी सीलिया होती है। ठीक है, सो इट इज द पास म्यूकस आउट, दैट इज द फंक्शन ऑफ ट्रेकियल सीलिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया, मसल्स, डायफ्राम, रिब, कार्टिलेजिनस रेनस। वर्बली बोल सकते हैं? सबका ये आंसर है? यस यस। सिंपल रेस्पिरेटरी ऑर्गेन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम, गिल्स, स्किन, लंग्स। स्किन स्किन दो आंसर है। स्किन तो करेक्ट आंसर इज द स्किन। ट्रेकियल रिंग्स आर कंप्लीट, इनकंप्लीट, डॉर्सली इनकंप्लीट, लैटरली इनकंप्लीट। डॉर्सली इनकंप्लीट। गुड, ठीक है, तो क्या होगा इसका? दैट इज द थर्ड ऑप्शन, दैट इज इन। अभी मुझे पहले हमने ऐसा कुछ दूसरे लैंग्वेज में सवाल किया था, दूसरे स्टेटमेंट क्या था, पर सवाल का मतलब भी वहां पर भी यही था, यहाँ पर भी यही है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर फाइव, which one of the following has smallest diameter? Right primary bronchus, secondary bronchi, trachea, respiratory bronchiole. जिसे मान लो ये कोई पास है, ये की ट्यूब है, मान लो ये कोई ट्यूब है, तो डायमीटर कम respiratory bronchi। पक्का? जो किसी से लास्ट में मिलता है क्या? देखो ट्रेकिया होने से रहा सबसे ज्यादा। अच्छा, ये सवाल दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि इसको डायमीटर के हिसाब से अरेंज कीजिए, तो डायमीटर के हिसाब से अरेंज कैसे करो काफी बताइए। तो पहले कौन आएगा सर? एक बार रिपीट। अगर एक क्वेश्चन को आप सवाल पूछे कि अरेंज द फॉलोइंग पार्ट अकॉर्डिंग टू योर डायमीटर, इंक्रीजिंग डायमीटर मतलब सॉरी डिक्रीजिंग डायमीटर, पहले कौन आएगा? राइट राइट प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। हां, यहां पर सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? तो स्मॉलेस्ट डायमीटर वाला आ रहा है, तो इट इज द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल। याद है ना, जिसके बाद आपको क्या मिलेगा? एलिवेलर मिलेगा। अरे बात समझ में आई क्या? हां सर। हां, क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। यही तो क्वेश्चन में मजा आता है। जल्दी बताइए, बोलिए। फर्स्ट ऑप्शन। पक्का? कैसे कैसे किया फर्स्ट ऑप्शन? नहीं, फोर्थ है। फोर्थ है? हाँ, देख लीजिए। हम तो जाने पहले मेरे मेरे लिए जो आता है पहले हम जाने एपिग्लोटिस कर बोलेंगे बेटा एपिग्लोटिस। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस बोलेगा कि मैं तो ढक्कन हूँ पर किसी और का नहीं, लीड का हूँ। अरे हाँ जी, ग्लोटिस किसका है? तो ग्लोटिस का लीड को क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं क्या? तो इंगेज हम जाएंगे और इसको कट कर देंगे। अरे हाँ जी, अरे बोलो ना। हाँ, फिर जाएंगे ट्रेकिया के पास। सर ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या होता है? विंड पाइप होता है। अरे हाँ जी, तो बी का हो जाएगा एस। तो बी का एस इसके पास भी है और बी का टी इसके पास है, तो ये आंसर होगा क्या? अरे पार्वती। हाँ सर, तुम्हें पार्वती बुलाना पड़ेगा तब तुम्हें समझ में आएगा। तो डी का आपका आंसर है। अच्छा, लोगों को बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। अरे हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7,
एडम्स एप्पल रिप्रेजेंट, एडम्स एप्पल रिप्रेजेंट एरिटेनॉइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग, क्रिकोइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग, थायरॉइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग, ऑल ऑफ द एबव। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूँ। थायरॉइड कार्टिलेज, अरे तभी तो बोलते हैं कि इसका क्या हो गया, एडम्स एप्पल निकल आया। जहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है वहां पर जो कार्टिलेज होती है तो बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज, और ये किस पर किसमें होती है, लैरिंग में होती है। दैट्स राइट, थायराइड कार्टिलेज लैरिंग में बढ़ जाता है, क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। हाँ जी, अरे कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन नंबर एट, आप इसको चाहो तो अच्छे से अरेंज करके लिख सकते हो। ठीक है, इसको पॉइंट बनाके एक पॉइंट लिख सकते हो। ड्यूरिंग हाइबरनेशन पीरियड फ्रॉग रिस्पिरेशन इज क्यूट हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, ये दोनों एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए एक उसके पास क्या है, उपाय, ऑप्शन है, ताकि वो उस एडवर्स कंडीशन से बच सके। जो आपके पास हाइबरनेशन होती है उसको बोलते हैं विंटर स्लीप, जो एस्टिवेशन होती है उसको बोलते हैं समर स्लीप। तो ड्यूरिंग हाइबरनेशन पीरियड फ्रॉग में जो रेस्पिरेशन होती है वो कौन सा होती है, क्यूटेनियस। पक्का? हाँ सर। मतलब अपने स्किन के थ्रू वो करेगा, क्लियर है, दैट इज द क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए द आंसर। जल्दी जल्दी बताइए। आंसर दो। वेंट्रल। सवाल क्या है, विच पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज इन लैरिंग्स इज क्लोज्ड। इसने भी आंसर दिया, लेट आपको आंसर को दोबारा ही कंसीडर करना। अरे डोर्सली इनकम्प्लीट होती है और वेंट्रली कम्प्लीट होती है ना बेटा, उसे क्या आंसर होगा? तो आपने यहाँ पे गलती कर दिया ना, वो डोर्सली इनकम्प्लीट है। इसमें क्या पूछा है कि लैरिंग्स इज क्लोज, क्लोज का मतलब है कि ऊपर से बंद, मतलब कि जैसे कि पीछे से खुला होता है, पीछे होता है, वैसे किधर से क्लोज होती है, तो वेंट्रली क्लोज होती है ना, इसका आंसर क्या होता है, वेंट्रल। वेंट्रल, गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स कवरिंग और कॉजिंग सीवियर चेस्ट पेन, इसे बात कर रहे हो, प्लूरिसी क्या होता है सर? इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स कॉजिंग सीवियर चेस्ट पेन इज प्लूरिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not part of respiratory tract? Verbally, without taking time. Esophagus. ये सब वो क्वेश्चन है जो आपको बगैर टाइम के आंसर देना होता है, ठीक है? Next है, residual area mostly occurs in. ये तो अच्छा क्वेश्चन है, बताओ टाइम ले सकते हैं? कहाँ? रेसिडुअल वॉल्यूम, जो बचा हुआ वॉल्यूम ऑफ एयर होता है वो मोस्टली कहाँ रहता है अभी? एल्वियोल्स। सबको मालूम है? तभी तो ये बचा हुआ रहता है क्योंकि वो पहले हो नहीं पाता, इसलिए वो वहीं पर रह जाते हैं। इसका नाम क्या है? रेसिडुअल एयर। रेसिडुअल मतलब जो होता है ना बचा हुआ, रेसिड्यू। यस, सो इट्स आंसर इज द एल्वियोल्स। क्वेश्चन नंबर 13, द एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल इज डैश
सीडो स्टेटिफाइड कॉलमनर सिंपल एचटीएमएल सीडो स्टेटिफाइड एक्सटेंशन से ये क्यूबॉइडल कॉलम कौन सा होगा बोलो क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर कौन ही आंसर दिया है बोलो एपिथेलियम ऑफ वेस्पिरेटरी ब्रोंकियल आई थिंक इसके बारे में पॉइंट लिखा था आप लोगों बताइए लिखाया था स्ट्रेटिफाइड सो द एपिथेलियम ऑफ वेस्पिरेटरी ब्रोंकियल इज सिंपल स्क्वैमस एंड इन द कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन जो आपको रेस्पिरेटरी जोन होती है वो किससे बना होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बना हुआ होता है और उस रेस्पिरेटरी जोन में क्या बोलते हैं एक्सटेंड जोन में क्या कॉमन पार्ट प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल प्रेजेंट होता है एल्वियोलर डक्ट होता है एट्रिया होता है एल्वियोलर सैक होता है और एल्वियोलाई क्लियर हां सर ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है एपिग्लोटिन इज मेड अप ऑफ या मेड ऑफ हियालिन कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज इलास्टिक बाकी सर व्हाट आर अदर इलास्टिक कार्ट हां इसका क्या होगा दैट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज देखो सिंपल सा फंडा है जो क्वेश्चन आता है तो आंसर देते हैं जो क्वेश्चन नहीं आता है मतलब मैंने कोई क्वेश्चन आता है गलत दिया तो ऐसे हमको लर्न करने का अच्छा इसका आंसर ये नहीं ये होगा समझ आ रहा है तो वहां से हम कुछ क्वेश्चंस भी लर्न करने की कोशिश करते हैं जरूरी नहीं कि नीट में सारा क्वेश्चन हमेशा आपको बुक का ही मिले आपको कुछ नया भी क्वेश्चन मिल सकता है तो हम कुछ क्वेश्चन भी पॉइंट निकाल लेते हैं इक्वेशन सॉल्विंग आपको मालूम चलेगा क्लियर है क्वेश्चन नंबर 15 एयर इज ब्रीद थ्रू एयर को हम लोग किस किस पास से गुजारते हैं चलिए भाई पहला ऑप्शन होगा क्या नहीं सर नहीं दूसरा होगा क्या नहीं सर तीसरा होगा क्या हाँ सर चौथा क्यों नहीं होगा चौथा क्यों नहीं होगा ब्रोंका के बाद पेरेंट्स नहीं आते पेरेंट्स के बाद आता है ना इसलिए भी कहता हूँ अरे ये तो बता मतलब ये क्वेश्चन वो है जो आप कम जाने में कर सकते हो अरे हम उस पर क्यों जाएं जो थोड़ा टफ है हम आसान पास यूज करेंगे इसे मैंने क्या देखा ट्रेन क्या पहले डाल दिया इसको डाल दिया मैंने यहाँ पर क्या करते हो बताइए ब्रोंकस को मतलब ब्रोंकियस को बाद में डाला अलवेल है तो मैंने क्या दिया इसमें देखा कि ब्रोंकस पहले कर दिया फायरिंग से जो बचा वही तो आंसर है अरे हाँ जी हाँ क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी lungs are covered by pleural sac pleural sac sac का मतलब क्या होता है bag जैसा या फिर sac का मतलब क्या होता है yes अरे यार ये sac हो गया तुम लोग क्या बोलते हैं pleural bag like मतलब bag like तो हम क्या बोलते हैं सैक बोलते हैं मतलब प्लूरल सैक सिंगुलर प्लूरल का फर्क होता है ठीक है तो जो लंग का क्लियर मेम्ब्रेन है अच्छा उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड द मेम्ब्रेन प्लूरल मेम्ब्रेन प्लूरल मेम्ब्रेन क्या वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है डबल डबल लेयर होता है ठीक है तो इट इज द प्लूरल सैक अच्छा पेरिकार्डियम किसका होता है हार्ट पेरिओस्टियम किसका होता है बोन पेरिकॉर्डियम किसका होता है कार्टिलेज याद है ना को नेक्स्ट क्वेश्चन
Which of the following insect is not part of respiratory tree? अभी मालूम चल जाएगा कौन इसके बाद में कितना था दे अभी कुछ देर पहले सेगमेंटल ब्रोंका अभी तो कुछ देर पहले बात किया था हमने तो इसका आंसर क्या होता है ये सेगमेंटल ब्रोंका इज इट क्लियर टू एवरीवन क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट मस्कुलर स्ट्रक्चर इन रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज जल्दी Tell me the answer. Chat में बोल सकते हैं Most important muscular structure. यहाँ से डायफ्राम को मसल कंसिडर करते हैं क्या Somewhat muscular कंसिडर करते हैं तो अब यहाँ से एक पॉइंट बना के लिख सकते हो The most important muscular structure. मैंने वहाँ बोला membrane that will be somewhat muscular. That in the respiratory system of human is the diaphragm. Clear? Yes. बोलो ना. ये बहुत कुछ control करता है diaphragm. Clear? और इसी की irregular movement की वजह से क्या होता है? इसकी होता है. ऐसे इसकी होती है ना? Clear? Question number 19. Which of the following statement is correct? Bully. ये सब क्वेश्चन आप टाइम ले सकते हैं लेकिन एक मिनट से कम All of the above. All of the fourth option. Fourth option. What about next? Nishka, तुम्हारा आंसर क्या है? Fourth. What about others? Fourth option. Jeel. Fourth. यहाँ पर आप लोग मार खा रहे हैं। सवाल पूछा है कि करेक्ट ना? इसके लिए आप टाइम ले सकते हैं लेकिन एक मिनट से कम अरे चेस एक्सपेंड बिकेम द एयर इंट्रेंट इन टू द लंग ऐसा थोड़ा ना होता है होता क्या है जो इंटरकोस्टल मसल्स है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है और डायफ्राम में जो होती है क्या कॉन्ट्रैक्शन तो अपवर्ड एंड आउटवर्ड फैलाएगा तभी तो अंदर हवा जाएगा यार हाँ सर इसकी वजह से नहीं कि हम एयर को अंदर लेते हैं जिसकी वजह से वो हाँ इस वजह से नहीं कि वी इनहेल द एयर देन द दिस पार्ट एक्सपेंड देन दैट पर एयर इन कम इनसाइड द बॉडी कम इनसाइड द लंग जी क्लियर एयर इंटर्स इनटू द लंग बिगेस्ट चेस्ट एक्सपेंड इज इट क्लियर चेस्ट के एक्सपेंशन की वजह से ही एयर अंदर आती है इसका सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो तो कैसे क्या करवा ना कि आप अपने बैक साइड से किसी को पुश करने के लिए बोलना ताकि बॉडी से जो एयर निकल रही है उसको आवाज से निकले फिल्मा है ना तो चेस्ट एक्सपेंड होता तभी एयर अंदर आती है ये भूल से मत कहना कि एयर अंदर आता है एयर की इतनी औकात नहीं कि वो चेस्ट एक्सपेंड करा रहे फरमा रही है हाँ सर अगर आपको समझ में नहीं आता हो एक काम करना ना एक क्या बोलते हैं जिस जो मैकेनिक वगैरह होता है जो टायर वगैरह में हवा डालता है उसके पाइप को लेना और अपने नोज में एयर डालना देखना आपका लंग फैलता है कि नहीं फैलता है अरे हाँ जी ऐसा नहीं होता ध्यान रखना ठीक है तो ये पूछा नहीं अच्छा क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है ठीक है Among mammals, the efficiency of ventilation
of lung as compared to reptiles and birds is better developed by the presence of, you get the question hai, ribs and costal muscle. Ribs and costal muscle. First option. Next. अरे बेटा एक आंसर दो, दो 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 मत दे ना, अगर एक आंसर दो सर मैंने दे दिया एक भी है हाँ फिर फोर क्या है इसका मतलब आपको भी नहीं आया पहला आंसर सही था दूसरा आंसर नहीं सर वो लास्ट क्वेश्चन का था तो इसका आंसर क्या होगा फिर से डायफ्राम समझ में आ रहा है अरे बोलो ना क्या होगा इसका डायफ्राम क्लियर है जब तक वो डायफ्राम क्योंकि डायफ्राम ये मैमल्स का कैरेक्टर है रेप्टाइल्स और बर्ड्स का नहीं अरे बात समझ में आ रही है हेलो डायफ्राम का प्रेजेंट होना किसका कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स तो उसी के टास्क में भी था डायफ्राम हाँ ये रिब्स और रिब्स का सबसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरकोस्टल मसल होते हैं इंटरकोस्टल मसल समझा रहा है इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या है डायफ्राम इधर क्लियर यस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कितना भी टाइम मान लो आई एम कंप्लीटिंग माय थर्ड Next. नहीं सर थर्ड नहीं सेकंड नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट अबाउट नेक्स्ट बाकी आपका आंसर सर श्योर नहीं श्योर I am assured that will give a correct answer. Yes? अच्छा alveolar ventilation क्या होती है? अच्छा मालूम है ventilation क्या होती है? आपने घरों में देखा होगा ventilation में ना exhaust fan लगा होता है. अरे हाँ जी जिसके थ्रू गैस का exchange होता है. तो alveolar gas का exchange, pulmonary gas का exchange. अरे जो पल्मोनरी मतलब लंग्स वाला तो लंग्स का वेंटिलेशन ज्यादा ज्यादा होता है या कम होता है ज्यादा ज्यादा इसमें क्या होगा कि अल्वेलर अल्वेलर तो बहुत छोटा सा चीज है यार तो उसका एक्सचेंज है पल्मोनरी वेंटिलेशन के सामने कुछ भी नहीं इसका मतलब क्या है कि अल्वेलर वेंटिलेशन इज लेस देन द पल्मोनरी मतलब लंग्स का वेंटिलेशन इज इट क्लियर यस क्वेश्चन नंबर 23 अबाउट 1500 ml of air is left in the lungs is called dash 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 चलिए residual volume अरे वाइटल कितने का होगा नहीं इंटरनल वॉल्यूम होगा नहीं इंस्पायरेटरी वॉल्यूम होगा नहीं जो बता वही आंसर होगा अरे हां जी दैट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम इज इट क्लियर टू एवरीवन यस क्वेश्चन नंबर 24 एट हाई एल्टीट्यूड जो मैंने तभी क्वेश्चन एक पॉइंट आपको मैंने लिखाया था एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड विल आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड विल डैश 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 डैश
increase the number. Chat box, use your chat box. Only option. Okay. Next. Jay, are you in the class? Yes, sir. आपका आंसर किधर है? सर भेजा. कहाँ भेजा? तो क्या वो मैंने बताया था कि देखो वहां पर ना उसकी बाइंडिंग एफिनिटी घट जाती है, इसलिए जो मान लो एक ही हीमोग्लोबिन है वो क्या टॉक्सिन चला जाएगा. समझ में आ रहा है? अगर उसका पूरा वेट करे कि पूरा हमें चार के चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करने वाला करने दो फिर हम निकलेंगे, तब तक होता ना क्या बोलते हैं राम राम सत्य है, वो मोटू की कीमत पर लगाने हो जाएगी. अरे हाँ जी, बात समझ आ रही है? तो क्या होगा इसमें, इसलिए उस आदमी का नंबर बढ़ जाता है ताकि वो कम मतलब अपना कम टाइम लेकर के आए बाइंड के चला जाए, एक ही लेयर एक या दो लेयर बाइंड के चला जाए, उससे उसका ऑक्सीजन का जो क्या बोलते हैं यूज है वो बरकरार रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. क्लियर है? तो इंग्रेडिएंट नंबर इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच वन हैज द लोएस्ट वैल्यू, व्हिच वन हैज द लोएस्ट वैल्यू. टाइडल ये वो क्वेश्चन है जो कम टाइम में करने वाला होता है, ठीक है? तो इट इज द टाइडल वैल्यू. इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 26, the volume of air inspired or expired within each normal breath is known as tidal. Jaldi boliye. Tidal volume. Sab pe andar hai. Half. Total lung capacity is. Six liter. Only two answer. Baki sir? Six liter. 28. That air that remains in the lungs after most powerful expiration is residual. Pakka? Haan sir. Dead space kyun nahi hoga? डेड स्पेस हमेशा कांस्टेंट ही रहता है उस आफ्टर मोस्ट मोस्ट एक्सपेरिमेंट होता है ना जो बचा हुआ आएगा उसमें क्या बोलेंगे रेसिडुअल ए या रेसिडुअल वॉल्यूम बोल देता है. हाँ जी, कोई दिक्कत है? नाइस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29. During normal respiration without any effort of the volume of the air inspired or expired is called tidal volume. देखो ये वाला क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन को देखो. आंसर सेम है पर लाइन स्टेटमेंट अलग है, मतलब एक ही. समझे क्या? Yes. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी बताइए टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या आता है. चैट बॉक्स में ऑल ऑफ दी चैट बॉक्स में विषय आपका क्या है? सेकेंड ऑप्शन. अपने आंसर देने से पहले बाकी और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, कैसा ना कि ऑल ऑफ द अबव हो या बोथ ऑफ बोथ बोथ हो सकता है. ठीक है, हां देखते हैं. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ पोस्ट इंस्पायरेशन. तो क्या क्या होगा? इंस्पायरेटेड इधर वॉल्यूम होगी, एक्सपायरेटेड इधर वॉल्यूम होगी, रेसिडुअल वॉल्यूम होगी, टाइडल वॉल्यूम होगी. सारा सारा हो गया ना. दूसरा क्या है? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम.
ऑल ऑफ द अबव, तो कौन सा आंसर होगा ये? आंसर बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव. क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस यस. वंस अगेन एनीवन डाउट? यस थर्टी वन. Which instrument help in clinical assessment of pulmonary volume? This question is asking. Spirometer. Pakka? Yes. ठीक है. इसका आंसर ए. अच्छा इससे तो इसको क्या करते हैं? Pulse measure. Electrocardiogram. Cardiogram. हार्ट की एक्टिविटी को कार्डियक साइकिल. कार्डियक से मतलब हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करते हैं. ठीक है. स्टाइमोमीटर ब्लड प्रेशर. ये आपको कुछ क्वेश्चन से भी एक इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए. इज इट क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? स्पायरोमीटर. 32. वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेंस इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. फर्स्ट ऑप्शन. First option. What about next? What about first? Next? First. Next. So expiratory the volume plus reserve volume. It is the volume of the remaining lung after normal expiration. अरे normal expiration के बाद forceful expiration भी होगा plus reserve volume भी होगा. अरे आदि ना. Yes. इसका आंसर क्या होगा? First. Which of the following volume is not included in the vital capacity? RV. पक्का? अरे तभी तो vital capacity plus respiratory volume मिला के total capacity बना था उसे पहले. अरे clear है क्या? हाँ sir. Next है topic from gaseous exchange. 34. In lungs, air is separated from the venous by venous blood by dash and dash. चैट बॉक्स में बताइए सर. नेक्स्ट What about other? जल्दी बताइए. बस दो बच्चे. आंसर क्या होता है? ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम साथ ही साथ में एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल. अरे इसी को ये सेपरेट होता है. ये पर नो जो वेन्स का ब्लड होता है आर्टरी कैसे सेपरेट होती है लंग्स में? थ्रू एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल एज वेल एज स्क्वैमस एपिथेलियम. किसका? एल्वियोलर लाइकर. इज इट क्लियर? अरे बात समझ में आई? हां सर. क्वेश्चन नंबर 35. इन लंग्स गैसेस एक्सचेंज इज डन बाय सिंपल डिफ्यूजन. व्हाट अबाउट अदर? सिंपल डिफ्यूजन. किसी का एक्टिव पैसिव फैसिलिटेट तो नहीं है? अरे है किसी का? नहीं सर. हां सो इट्स करेक्ट आंसर इज द First option there is a simple diffusion. 36. Which of the following statement is not true? आपने देख लिया पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन मतलब सही नहीं है. देख लिया फर्स्ट ऑप्शन, अब थर्ड एंड फोर्थ देखो.
थर्ड एंड फोर्थ, बताइए क्या होगा? सेकंड. ओके, व्हाट अबाउट दैट सर? वो सेकंड ऑप्शन वापस लिखा. फोर्थ होगा. निकला कौन सा आंसर होता है? The partial pressure fourth of CO2 in alveolar air is 45 mm of Hg. ये सही है. फोर्थ ही होगा. फोर्थ ही होगा या है? है है फोर्थ. अगर मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ तो अल्वेलर एयर के हमने बात किया था. अल्वेलर एयर के बारे में हम लोगों ने बात किया था. वो क्या बात किया था? जो अल्वेलर एयर है, इधर क्या अल्वेलर एयर? अल्वेलर अल्वेलर में कितना था आपके पास? CO2 40 था और ऑक्सीजन 104. क्लियर. टीश्यू में क्या था? टीश्यू में क्या था? टीश्यू में 45 था. इसमें क्या लिखा है? इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन अल्वियोलर एयर इज 45 mm ऑफ Hg. बताइए. अच्छा, डी ऑक्सीजन रेट का मतलब क्या होता है? क्या उसमें अल्वियोलर एयर आएगा? बोलो. नहीं. हाँ, इसका आंसर क्या होगा बताइए? और तो होगा. या तो होना चाहिए था 40 ना? क्या होना चाहिए था? 40. हाँ सर. 40. क्यों सवाल पूछा क्या है? नॉट करेक्ट. मतलब नॉट ट्रू पूछा है ना? मतलब बाकी सारे का सारा सही तो है. 40 गलत है. इधर क्लियर कर दिया सर? नो. यस. अरे हेलो. हाँ, क्वेश्चन नंबर 37. द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अल्वियोलाई एटमॉस्फेयर एंड टिश्यू विल बी. थर्ड सही है क्या? हाँ. इसका आंसर क्या होगा फिर? देखो हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर की है. सबसे ज्यादा 159 होती है. अरे बोलो ना कितनी होती है? 159. तो पहले हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर के एयर में जो 159 कहाँ का है. इसका मतलब ये गया काम से, ये गया पार्टी पार्टी सारी करनी. ठीक है, हम लोग फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अल्वियोलाई में कम होगा ज्यादा होता है? उससे कम होगा. तो यहाँ पे कौन सा होगा फर्स्ट ऑप्शन में? दैट इज द अल्वियोलाई एटमॉस्फेयर डेंसिटी टीश्यू. क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट है 38. नेक्स्ट है 38. व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड CO2 इन द एटमॉस्फेयर compared to those in the alveolar air? बोलिए. second. मतलब partial pressure of CO2 higher, partial pressure of CO2 less है. हाँ. है. अरे बोलो ना. alveolar compare में atmospheric air में CO2 का ज्यादा होगा और CO2 का कम होगा. अरे clear है क्या? हाँ. 39. Partial pressure of CO2 is higher at alveolar level, at tissue level, in atmosphere, in oxygenated air. Tissue level. पक्का? हाँ. 40. Methemoglobin refers to. Methemoglobin में point लिखा था, आप लोग बताइए. Methemoglobin refers to a colorless dispersed pigment, oxidized hemoglobin, oxidated hemoglobin, deoxygenated hemoglobin. Oxidized hemoglobin. ये कौन करने वाला कौन था इसको? कौन?
याद है कि आपको बताइए जब हम लोगों ने हीमोग्लोबिन के बारे में बात किया था इसको कौन किया था ऑक्सीजन याद है मालूम है कि नहीं बोलो सर थर्ड ऑप्शन होगा ये ऑप्शन तो थर्ड क्यों होगा बेटा सर सेकंड ऑप्शन नहीं हमने तो ये कहा था ना कि ऑक्सीजन से मतलब हीमोग्लोबिन से कोई और भी गैसें बाइंड कर सकता है एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड था एक तो ऑक्सीजन था एक CO2 था पर इसमें हम लोगों ने बात किया था कि कुछ जब ये कंबाइन करता है तो उसको ऑक्सीडाइज करता है तो कौन था ओजोन O3 अरे O3 आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बहुत खतरनाक रिएक्टिव होता है और उसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है तो क्या करता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको ऐसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं मैंने नोट में लिखा था आपको याद आएगा दिया क्या है बताओ ऑक्सी हीमोग्लोबिन CO2 को डिस्प्लेस करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन CO2 को डिस्प्लेस करता है इसमें सवाल पूछा है इज ड्यू टू तो क्या होगा इसका हेडलाइन इफेक्ट इज ड्यू टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे कोई आ जाएगा अगर आप नोट्स में नहीं है तो आपको कोड ना लिख लीजिए कि हेडलाइन इफेक्ट इज ड्यू टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन परिकर अरे बोलो नाइस 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 हेलेन ये कहां का आपने देखा होगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मतलब बेसिकली जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का क्या होगा डिसोसिएशन होगा यहां पर CO2 जो ब्लड से फ्री होकर के कहां पे आता है एटमॉस्फेयर में जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो कि डिसोसिएशन होता है कुछ कंपाउंड की वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं हेडलाइन इफेक्ट बोलते हैं क्लियर है क्या इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है आपके पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज स्ट्रांग एसिड और अपने से क्या क्या रिलीज करता है H+ रिलीज करता है जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने क्या बनाया था HHB बनाया था क्या हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन से H+ को रिलीज करवाया था अरे याद है क्या हाँ, इसका आंसर होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 फ्लोस इन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट 70% ये भी नीट में पूछा गया है ठीक है तो इसका जवाब 70% क्वेश्चन नंबर 44 इफेक्ट ऑफ CO2 कंसंट्रेशन ऑन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड फोर्स इफेक्ट सबको याद है यस 45 क्लोराइड शिफ्ट टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड शिफ्ट मैंने अपने लेक्चर में लेक्चर के दौरान एक्सप्लेन किया था याद है अरे ऑक्सीजन की वजह से होता नहीं है O3 की वजह से होता नहीं है CO की वजह से होता नहीं बचा कौन तो पॉइंट नाइन को लिख सकते हैं कि क्लोराइड शिफ्ट इज ड्यू टू CO2 तो प्रॉब्लम है नहीं सर 46 रेशियो ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज बेस्ड अपॉन ऑक्सीजन टेंशन ये अच्छा क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन कार्बोनेट टेंशन बाइकार्बोनेट टेंशन अरे ऑक्सी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में ये दोनों के बीच का जो रेशियो है वो ब्लड में किस बेस पे होता है
ऑक्सीजन. अरे ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं है. अरे ये तो होगा ना, ऑक्सीजन से टेंशन होगा. अरे बोलो. हाँ सर. हाँ सर. तो फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन 47. एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयन बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा इज कॉल्ड. अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने सॉल्व किया क्लोराइडेशन. क्लोराइड क्लोराइड इसको क्या बोलते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है. दैट इज द क्लोराइड शेप. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 48. द डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन कैरीड बाय हीमोग्लोबिन इज डन बाय जल्दी बताइए. डू इट फास्ट. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पीएच. ऑल ऑफ देम. क्या ये बात आपको क्लियर है? अरे बोलो. यस. हां तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ देम. मतलब ये नहीं कहा है कि ये ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा ये कम होगा. इसने कहा ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कैरी होगा या नहीं. क्लियर? चिंता मत कीजिएगा. कुछ 15 का तो क्वेश्चन बचा है तो सॉल्व कर लेते हैं. खत्म हो गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 49. फॉर द प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 ब्लड शुड बी स्लाइटली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन. स्लाइटली एसिडिक नहीं हो सकता. ये एसिडिक था ही नहीं. वो क्या था आपके पास? स्लाइटली बेसिक का मतलब स्लाइटली अल्कलाइन. कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट वुड हैपन व्हेन अ ब्लड इज एसिडिक. व्हाट वुड हैपन इफ द ब्लड इज एसिडिक. मतलब H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? जब ब्लड एसिडिक है का मतलब क्या है? H+ कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है तभी तो एसिडिक कंडीशन है. तो ऐसे केस में क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन डिक्रीज ऑफ. पहला होने से रहा रेड ब्लड कार्पसल्स आर फॉर्मड इन हायर लेवल. ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता. बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन डिक्रीज इज देयर इज नो चेंज. ये तो होने से रहा. तो प्रॉब्लम क्या होगी कि बाइंड ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन डिक्रीज है क्योंकि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड होने के लिए पीएच कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा. ज्यादा मतलब H+ में घटना चाहिए बढ़ना चाहिए? घटना चाहिए. टेम्परेचर बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? from plasma to RBC, from WBC to plasma, from RBC to plasma, from plasma to WBC. Plasma to RBC. From plasma to RBC through the RBC membrane. Is it clear? जो हमने एक डायग्राम पढ़ा था. Next question 52. Colloid shift occur in response to batch. H+ या एक अच्छे टर्मिनल लेवल में क्वेश्चन में पूछा जाएगा. वैसे तो कुछ पूछेगा नहीं आपसे लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ा है. ठीक है. Is due to H+, K+, Na+, HCO3-. मतलब कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट याद है? हाँ सर. अरे हाँ जी. फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपका 53. What happened to the O2 dissociation curve of hemoglobin if pH decreases? अगर pH decrease किया तो क्या होगा? Shift to right. मतलब ऑक्सीजन डिविजन कर शिफ्ट टू राइट या शिफ्ट टू लेफ्ट. तो ये एक कांसेप्ट के सबको क्लियर है. कुछ फैक्टर्स ऐसा होगा जो कि उसको राइट की तरफ शिफ्ट करवाएगा, कुछ ऐसा होगा जो कि उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करवाएगा. गॉट माय पॉइंट? यस यस. गुड एटीट्यूड. आई लाइक इट. 54. डिसोसिएशन ऑफ कर्व शिफ्ट टू द राइट व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीजेस. मतलब ये वाला हो गया ना कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेशन वाला जो प्रॉपर्टी था उसके अगेंस्ट में काम करेगा.
ये सुनो, मतलब CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तब क्या होता है, ये इट विल शिफ्ट टू राइट साइड बिल्कुल 53 के जैसा। अरे हाजी, अरे पीएच डिक्रीज का मतलब क्या होता है, एच प्लस इंक्रीज होता है ना, और एसिडिटी बढ़ जाए, कोई दिक्कत है? 54 का 55 कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड डज नॉट इंक्रीज इन ब्लड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, Na प्लस, बोलिए बोलिए। जब हम लोगों ने एक वो शिफ्ट पढ़ा था, एक डायग्राम पढ़ा था, वहां पर सोडियम आयन की इन्वॉल्वमेंट हुई थी ताकि उसके जो एच प्लस और जो नेगेटिविटी है उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ आयन वहां पर होंगे ना। अरे बोलो, हाँ सर क्लियर है। और आपको पता है कि ब्लड क्या है, एक बफर सिस्टम है जहां पर एच प्लस के चेन को रिस्ट्रिक्ट करता है। आप लोग पढ़ेंगे क्लास के बाद में बफर सिस्टम के बारे में डिटेल से। सोडियम आयन क्लियर है, इनकी वजह से उसको क्या करता है, इंक्रीज होने से रोकता है, क्लियर। 56 ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक्ट्स एज, ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक्ट्स एज एसिड बेस अल्कली न्यूट्रल बफर, अपने टाइम में ऐसे ही आती हूँ कि एसिड आर दो एसिड अनोन मेजर प्रॉपर्टी टू डोनेट एच प्लस और एक्सेप्ट एच माइनस, बेस क्या करेगा टू डोनेट ओएच माइनस और एक्सेप्ट एच प्लस। मेटल के बारे में क्या 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 समझा था कि मेटल को होते जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, अनोन में वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्या मैंने सही बोला क्या? अरे हाँ जी सही बोला, गलत बोला? अरे सही बोला क्या, क्या सर, क्या सर कुछ नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं सर, मैंने कहा कि एसिड आर नॉन बाइंडर प्रॉपर्टी टू डोनेट एच प्लस और एक्सेप्ट ओएच माइनस, बेस आर नॉन बाइंडर प्रॉपर्टी टू डोनेट ओएच माइनस और एक्सेप्ट एच प्लस, एंड मेटल्स आर नॉन बाइंडर प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स आर नॉन बाइंडर प्रॉपर्टी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एम आई राइट? यस सर, यस सर, ये सबसे बेस्ट पॉइंट्स में आता है जो कि आपको दस क्लियर करने में काम है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 57 द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसीजन कर्व विल शो अ राइट शिफ्ट इन केस ऑफ, इन केस ऑफ फोर्थ ऑप्शन, पक्का? हां सर, यस। ये क्या होता है 2-3 डीपीजी सर, वो बीपीजी होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, बीपीजी बोलिए क्या होना चाहिए, वो बीपीजी है कि डीपीजी, डीपीजी है, डीपीजी सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं है। हाँ सर, वो उसका फुल फॉर्म नहीं पता, फुल फॉर्म नहीं पता, मैं बताता हूँ, क्लियर है। तो ये 2-3 डीपीजी का मतलब डाइफॉस्फोग्लाइसेट, जो कि क्या करता है आपके बॉडी में, जब आप लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे या जब पढ़ लेंगे पढ़ने तब तक, तो ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ये कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, और जब इसका ज्यादा होगा तो जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन कर्व है वो किधर शिफ्ट करेगा, राइट साइड, राइट शिफ्ट होगा, क्लियर है। और इंग्रेडिएंट दिस कंपाउंड विल कॉज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन को उससे अलग कर देगा, मतलब उसके फेवर में काम नहीं करने वाला, उसके अगेंस्ट में काम करने वाला चीज, कोई दिक्कत है क्या? उसका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन।
58 अ कार्बोनिक एनीहाइड्रेट इज प्रेजेंट, स्टेटमेंट देखना है सही कौन सा गलत कौन सा है। अ कार्बोनिक एनीहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द एरिथ्रोसाइट, बी ऑफ बी पॉइंट है, बी स्टेटमेंट है, इन एरिथ्रोसाइट कार्बोनिक कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर एंड इज ट्रांसपोर्टेड। ऑप्शन पहला है करेक्ट एंड रिस्पांसिबल फॉर बी, वही वाला एआर वाला कांसेप्ट, बताइए कौन सा होगा फर्स्ट। पक्का सोचिए बताइए। सर दोनों करेक्ट है। और क्या उसके रिस्पांसिबल है? सर दोनों करेक्ट नहीं है। दोनों करेक्ट नहीं है मतलब दोनों करेक्ट जो है वो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही है। अरे तो आंसर क्या होगा बताओ ना, एक दो तीन चार। वन वन क्या बोला है, क्या कहा है? स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर बी स्टेटमेंट, सही लिखा है क्या? अरे ये तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या होता है, कार्बोनिक एनीहाइड्रेट एंजाइम होती है, कहां पर होती है, हाइड्रोजन में होती है। अरे हाँ जी तभी तो उसे कंबाइन कर पाता है और फिर ट्रांसफर होता है, तो बी के लिए ए ही तो रिस्पॉन्सिबल है, इसका आंसर फिर क्या होगा? अरे क्लियर है तो बोलो। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 59 M5-MI जो कंडीशन ये भी पूछा गया है इन विच डैश, बताइए आंसर। बस पांच क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है जल्दी कीजिए। अरे बोलो भाई थर्ड। अरे डाउट की मत बोलो, कंफर्म बोल्ड हो गए बोलो, हाँ तो ये आंसर है थर्ड का मतलब क्या डाउट हूँ? देखो पहला होने से रहा, दूसरा तो होने से रहा, चौथा होने से रहा, तो बचा कौन, बचा कौन है कि द वॉल सेपरेटिंग द अल्वे लाइक ब्रेक, और ये M5-MI कंडीशन होती है, ठीक है? ऐसा तो क्लियर है बोलो। 60 क्वेश्चन नंबर 60 द रेट ऑफ रिस्पिरेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय ड्यू टू कंसंट्रेशन ओटो कंटेंट ट्रेकिया कंसंट्रेशन ऑफ ओटो डायाफ्राम एक्सटेंशन क्या होगा उसका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा और ब्रीदिंग भी तेज हो जाएगा क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गया है, होगी कि नहीं होगी क्योंकि वहां पर पार्टिकल प्रेशर कम होता है ज्यादा होता है। अरे ओटो का पार्टिकल प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा, इसको तो हार्ट बीट बढ़ाना पड़ेगा, हार्ट बीट बढ़ाना मतलब ब्रीदिंग बढ़ाना पड़ेगा, बात समझ में आई? हां सर। क्वेश्चन नंबर 62 कार्बन मोनोऑक्साइड मोर टॉक्सिक देन CO2 बिकॉज़ इन दोनों में करना होता है तो इसकी 200 टाइम्स एफिनिटी ज्यादा होती है, ये पॉइंट मैंने क्लास में बताया था पर एक्चुअल डेटा मैंने आपको नहीं बताया, याद है? अरे बोल भाई। हाँ सर। हाँ, और ये पॉइजनस गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? ऑप्शन इन द सेकंड ऑप्शन इन द करेक्ट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन दैट इज अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी रिमेनिंग 3% इज डिसॉल्वड इन प्लाज्मा एंड ट्रांसपोर्टेड कोई दिक्कत है तो 64 का आंसर ए होगा बी आपका आज के सिंगल लास्ट क्वेश्चन है फिर अगर एक्सरसाइज बनाएंगे कि तेरे में बात करेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा आज के